आप सभी को प्रणाम। महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी द्वारा चलाए गए 75 साल 75 व्याख्यान की श्रृंखला में मैं मनीष मिश्र एक बार पुनः आप सभी का यहाँ पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। व्याख्यान की श्रृंखला में आज हमारे साथ शोध विद्वान के रूप में जुड़े हुए हैं KM अग्रवाल महाविद्यालय कल्याण के भौतिक विभाग के सहायक प्राध्यापक आदरणीय डॉक्टर संजय पाटिल। पाटिल सर यहाँ पे विगत 12 वर्षों से अध्यापन का कार्य कर रहे हैं और सर का अपना YouTube चैनल है जिसके माध्यम से पिछले कोरोना काल में उन्होंने लगातार न केवल अपने महाविद्यालय के विद्यार्थियों को बल्कि देश भर के विद्यार्थियों के लिए अपने व्याख्यान उपलब्ध कराए और सर का योग और आध्यात्म में सर की विशेष रुचि है। तो आज सर जिस विषय पर केंद्रित होकर अपनी बात यहाँ पे रखेंगे वो है समाज प्रबोधन में योग और अध्यात्म का योगदान। मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ आज के हमारे शोध विद्वान आदरणीय डॉक्टर संजय पाटिल सर को यहाँ पे आमंत्रित करता हूँ और आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप अपना व्याख्यान शुरू करें। आदरणीय डॉक्टर संजय पाटिल सर नमस्कार। तो मेरा आज का जो विषय है इस व्याख्यान का समाज प्रबोधन में योग और अध्यात्म की भूमिका। तो पहले मैं योग के बारे में जो बताऊंगा फिर बाद में अध्यात्म, ऐसे दो टॉपिक मिलके समाज का प्रबोधन हम कैसे कर सकते हैं उसके बारे में ये मेरा जो विषय है, फिर बाद में इसका समापन करूंगा। हमारा मन, उसे हम चित्त भी कहते हैं, वो बड़ा चंचल है। चित्त को स्थिर करना ही योग है। पातंजल मुनि ने अपने योग शास्त्र जिसे हम अष्टांग योग भी कहते हैं उन्होंने बताया है, येम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, ये अष्टांग का जो पाथ है जो रास्ता है उन्होंने बताया है। येम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, यह अष्टांग को हर कोई अपना सकता ऐसा नहीं है, लेकिन समाज में केवल व्यक्ति दो अंगों का भी पालन करते हैं जैसे येम और नियम, तो भी समाज प्रबोधन में उनकी भूमिका अहम मानी जाएगी। येम में और पांच भाग में वो बटा हुआ है, जैसे सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये पांच येम होते हैं। नियम में शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय तथा ईश्वर प्रणिधान, ये पांच नियम है। ये अष्टांग योग का दूसरा महत्वपूर्ण अंग है। अभी शौच में शरीर की शुद्धि, और शरीर की शुद्धि पंचकर्मादि से भी की जाती है, जो आयुर्वेद में पंचकर्म बताए गए हैं उससे शरीर की शुद्धि कहते हैं क्या की जाती है, और ध्यान धारणा से मन की शुद्धि की जाती है। योग और आयुर्वेद ये सब हमारे सनातन धर्म की देन है। और संतोष, संतोष भी एक नियम है। फल आशा न करते हुए निष्काम भाव से किया गया कार्य से मिलने वाला संतोष कहलाता है। अभी संतोष का एक मैं उदाहरण आपको पेश करने जा रहा हूं। एक अति दरिद्री दंपत्ति पर्णकुटे में रहते थे और दोनों धनाभाव में भी सुख और आनंद का अनुभव करते थे। एक बार बहुत ठंड थी, दोनों ने एक ही चादर ओढ़ रखी थी, फिर भी वो महिला अपना अनुभव बताती है और महिला अपने पति को बोलती है, अपना तो ठीक है लेकिन अपनों से जो दरिद्री होंगे, अपने से जो गरीब होंगे, उनका क्या होता होगा? कम से कम हम एक चादर ओढ़ के ठंड को, ठंड से बच रहे हैं, लेकिन हमसे भी जो दरिद्री होंगे, गरीब होगा, उनका क्या होगा? तो इसे संतोष कहते हैं। उनमें संतोष का भाव था इसलिए वो आनंद का अनुभव करते थे, आनंद की अनुभूति वो कर रहे थे। तो इस मन का भाव को ही संतोष कहते हैं। और तब ये भी एक नियम है, ये भी एक नियम है अष्टांग पाथ में से, एम नियम में से नियम ये दूसरा अंग है। प्रतिकूल परिस्थिति में भी तत्व को न छोड़ स्थिर रहना ही तप होता है।
प्रायः देखा जाता है कि प्रतिकूल परिस्थिति में मनुष्य विचलित हो जाता है और अपना जो तत्व है तो छोड़ बैठता है, गवा देता है। तो प्रतिकूल परिस्थिति में भी तत्व को न छोड़ स्थिर रहना, ये तप होता है। और वैसे ही स्वाध्याय, चारों वेदों का अध्ययन करने, पुराणों का अध्ययन करना और श्रवण एवं संतों का उपदेश ग्रहण करना, उसे ही स्वाध्याय कहते हैं। आगे जो आता है ईश्वर प्रणिधान, ये पांचवा नियम है, अष्टांग का दूसरा, इसमें से पांचवा नियम है। भगवान के प्रति समर्पण का भाव रखना ही ईश्वर प्रणिधान है। हमेशा ईश्वर को जपना चाहिए, ईश्वर का ध्यान रखना चाहिए, ईश्वर का नमस्मरण लेना चाहिए, जितना हो सके ईश्वर को समर्पित भाव से पूजना चाहिए। इसे ही ईश्वर प्रणिधान कहते हैं। अगर समाज में व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, एम और नियम का, ये दोनों अंगों का ही, अष्टांग में से ये दोनों नियमों, ये दोनों का ही पालन करते हैं दोनों अंगों का, तो भी समाज का प्रबोधन अपने आप हो जाएगा। क्योंकि मन का बहुत सारा मैल इन दोनों अंगों से ही हट जाता है, एम और नियम से। मन के अंदर की विकृतियां अर्थात काम क्रोधादि षड् विकार को हराना ये बड़ा जटिल कार्य है। कब कौन सा विकार आकर हमारे मन को वश में कर लेगा और अर्थ को अनर्थ में बदल देगा, ये कहना बड़ा कठिन कार्य है, दुष्कर कार्य है। इसलिए महान संत तुकाराम जी महाराज ने मराठी में लिखा है, मन करारे प्रसन्न सर्व सिद्धि के कारण। सब कुछ के लिए जिम्मेदार हमारा मन ही है, जिधर नहीं ले जाना चाहता उधर ले जाता है और अनर्थ कर बैठता है। उन्होंने और लिखा है, अम्मा रात्रन दिन युद्धाचा प्रसंग, इसका मतलब काम क्रोधादि विकारों के साथ लड़ने के लिए हमें 2400 घंटे जागना पड़ता है, क्योंकि वही हमारे जीवन में असली दुश्मन है। इसलिए हमेशा चौकन्ना रहना होगा, काम क्रोधादि को भगाने की फिराक में हमेशा रहना होगा, ऐसा संत तुकाराम जी महाराज ने मराठी में लिखा है। क्योंकि काम क्रोध ये जो विकार है हमारे मन में आ जाते हैं तो हमारे मन की गति को रोक देता है, ऊर्ध्व गति से अधोगति की ओर ले जाता है। विकार हमारे मन के अंदर होंगे उतनी हमारी अधोगति होगी। जीवन में हमारा असली मकसद परमार्थ की साधना करना है, ना कि मन के विकारों का पालना, उससे हमारी अधोगति होगी। जीवन में अधोगति का मतलब उजला की ओर से अंधेरे की तरफ अग्रसर होना। इसलिए उन्नति या ऊर्ध्वगति के लिए मन को विकार मुक्त करना अति आवश्यक है। जैसे किसी पनडुब्बी में सतह से उसको पानी के अंदर ले जाया जाता है, तब उस पनडुब्बी के अंदर हजारों लीटर पानी भरा जाता है, हजारों लीटर पानी उसके अंदर डाला जाता है, तभी वो सतह से पानी के अंदर नीचे डूब सकती है। और जब उसको सतह पे लाना होता है, तब जो भरा गया हजारों लीटर पानी है फिर उस पनडुब्बी से निकाला जाता है, तब कई वो पनडुब्बी फिर से सतह पर आ सकती है। उसी प्रकार हमारे मन में जो षड् विकार है, उन षड् विकारों को जितना जितना हम भरेंगे उतना हमारा मन जड़त्व की तरफ बढ़ेगा और हमारी अधोगति होगी। क्योंकि जितना मन ये चेतन होगा उतना ही हमारा उत्कर्ष होगा, उतना ही हमारा विकास होगा, उत्थान होगा। इसीलिए उन्नति या ऊर्ध्वगति के लिए मन को विकार मुक्त करना अति आवश्यक है। मन के अंदर की अतृप्त वासनाएं मन को भ्रष्ट कर देती है,
और जीवन में उत्थान के बजाय पतन को जन्म देती है। समाज में जो भी आपसी मनमुटाव जाति धर्म पंथ प्रांतादि के आधार पर भेद दिखाई देता है उसका आधार मन के विकार मात्र है। कोई भी अच्छी या बुरी कृति मन के अंदर का भले बुरे विचारों का प्रकटन मात्र है। जो भी हो, भेद का अस्तित्व नष्ट करने के लिए हर व्यक्ति को निर्विकारी होना बेहद जरूरी है। हर जीवात्मा का अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है। यह अध्यात्म का विषय है और ये योग भी अध्यात्म से जोड़ने का काम करता है। योग का असली मकसद यह है कि शरीर और मन विकार हीन हो जाए और अध्यात्म की वो पार्श्वभूमि बना के कि जो जीवात्मा है दुख रहितों के मुक्त हो जाए। यही योग का भी मकसद है। हर जीवात्मा का अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है। पद्म पुराण के अनुसार कुल 84 लाख योनियां है, उसमें एक मनुष्य योनि है। कितना दुर्लभ योग है, मनुष्य योनि पाना बहुत ही दुर्लभ योग है। 84 लाख योनि में से मनुष्य की योनि, जो हमने मनुष्य योनि को प्राप्त किया है, वैसे तो जीवात्मा मोक्ष के पथ पर चल रहा था, वह पहुंचा नहीं, उसके पहले ही पथभ्रष्ट हो गया। असली मकसद जीवात्मा का मोक्ष की प्राप्ति करना है। जब तक मोक्ष की प्राप्ति न हो जाए जीवात्मा की यात्रा चलती रहती है। और मनुष्य योनि को पा लिया जो जीवात्मा मोक्ष के पथ से भ्रष्ट है, वो औरों के लिए पथदर्शी नहीं बन सकता है। और सभी मनुष्य योनि में जन्मे जीवात्मा एक समान है, इसलिए भेद का कोई अस्तित्व नहीं है। भेद का कोई अस्तित्व होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सब एक समान है। यानी हर जीवात्मा मोक्ष के पथ का यात्री है। जब जीवात्मा मोक्ष प्राप्त नहीं करता, तभी कर्म आधार पर मनुष्य योनि को पाता है। जीवात्मा का मोक्ष के पथ से भ्रष्ट होना ही मनुष्य योनि को प्राप्त करना है। इसलिए कोई भी पथभ्रष्ट पथदर्शी नहीं बन सकता। अतः यो भेद का जो अस्तित्व है वो मिथ्या है, उसे कोई महत्व दिया नहीं जाना चाहिए। जब सब समान है तो भेद कहाँ रहा, तो भेद का कोई अस्तित्व होना नहीं चाहिए। मन के विकार क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या तब्दीली ला सकते हैं, हमारे मन को कहां से कहां ले जा सकते हैं, उसके ऊपर एक मैं छोटी सी को कथा बताऊंगा साधु और वारांगना की। एक नगर में बहुत बड़ा दानी सेठ रहता था और उसका जो कुल आय जो है वो अपना दान में लगाते थे, सेवा में लगाते, समाज की सेवा में लगाते। जो गरीब है उनको अपना दान, उनको अपना आय वो बांटता रहता था। उस नगर के सेठ ने ऐसे मकान बनाए थे जिसको कोई आश्रय नहीं है, जिसके पास कोई आशियाना नहीं है, उसको वो सेठ मकान मुहैया कराता था। ऐसे ही एक साधु को पता चला कि एक सेठ नगर में है, बहुत दानी है, दाता है और रहने के लिए मकान भी देता है। तो सोचा कि सेठ को मिल लिया जाए, पूछ लिया जाए और वहां आश्रय मिल गया तो वहां रहा जाए। तो जैसे ही उस साधु सेठ के पास गया, साधु बोला मेरा जो जो मेरे पास आश्रित आते हैं उनके लिए मैंने मकान बनाया है, मकान खाली है, जाओ उधर रहो, जो जो कुछ सुविधाएं लगे मुझे आवाज दो, सब सुविधाएं मैं दूंगा। फिर साधु उस मकान में रहने लगा। ऐसे दूसरे दिन फिर एक वारांगना आई, वेश्या, बोली मुझे आश्रय चाहिए। सेठ बोले जाओ, एक अभी अभी कल साधु आया है, उसके मकान के सामने ठीक एक मकान और खाली है, उधर रहो।
जब साधु ने देखा कि अपने घर के सामने एक वेश्या एक वारांगना रह रही है, तो साधु ने भक्ति का मार्ग छोड़ के सुबह से शाम तक यही बोलता रहा, ये पापी ने मेरे सामने, हा ईश्वर, ये अभागिनी, ये पापी ने मेरे घर के सामने आ गई। बस यही उसका सुबह से लेकर शाम तक मंत्र जप चलता रहा। दिन बीतते गए, समय बीतता गया। फिर बाद में जब यमदेव ने दोनों को वारंट निकाला कि दोनों की अभी मृत्यु है, और यमदूतों को भेजा कि जाओ दोनों को वारंट जारी कर दो, एक को नरक के लिए बुलाना है और एक को स्वर्ग के लिए बुलाना है, जो स्वर्ग में आएगा उसके लिए विमान और जो नरक में जाएगा उसके लिए काला भैंसा। अब ये तो तय था, साधु के मन में तो पूरा ठुस-ठुस के भरा था कि साधु तो हमेशा स्वर्ग में जाएगा। वारांगना को ये पता था कि वारांगना उसके पाप के अनुसार नरक में जाएगी, दोनों को मालूम था। जैसे ही उस नगर में यमदूत अपना वारंट लेके गए, साधु को वारंट पकड़ाया और बोले कि आपको नरक में जाना है। वारांगना को बोला कि आपको स्वर्ग में जाना है, वहां जो विमान खड़ा है उसमें आपको बैठना है। दोनों यमदूतों को सुनाने लगे, वारंट में धांधली है, वारंट में गड़बड़ी है, साधु बोला वारंट में जो नाम डाला गया है गलत है, मैं साधु हूं, मुझे स्वर्ग में जाना होगा। वारांगना बोली मैं मानती हूं, मैं पापी नहीं हूं, मुझे नरक में जाना होगा, जो यमदेव का आदेश होगा वो मुझे उसका अनुपालन करना होगा। साधु बोला फिर से कंफर्म कर लो, पूछ लो यमदेव को कि वारंट में कोई धांधली गड़बड़ी तो नहीं है। तसल्ली के लिए यमदूतों ने यमदेव को पूछा कि वारंट कुछ गड़बड़ तो नहीं है। यमदेव बोले वारंट में कोई धांधली नहीं है, वारंट में कोई गड़बड़ी नहीं है, साधु को नरक में जाना है, वारांगना को स्वर्ग में जाना है। साधु ने पूछा ऐसा क्यों, मैं तो साधु हूं। हाँ, साधु का खाली वेश परिधान किया है, मन में साधुत्व नहीं है, सुबह से लेकर शाम तक हमेशा वो पापी नहीं करते रहे, और उस वारांगना का जितना पाप था वो पाप की गठरी आप ढोते रहे और उसका पाप पूरा नष्ट हो गया और वो स्वर्ग में जाने के लिए पात्र हो गई, और उसका पाप चूंकि तुम धोते रहे, पाप का बोझ तुम उठाते रहे, इसलिए तुम नरक में जाने के लिए पात्र हो गए। वारंट में कोई धांधली नहीं, वारंट में कोई गड़बड़ी नहीं है, उसका पाप तुमने धो दिया, वो पाप से मुक्त हो गई और तुम पापी बन गए, इसलिए जो जो कुछ वारंट में है सब कुछ जायज है, स्वीकार करो, नरक में जाने का वारंट है तो नरक में जाओ, और वारांगना को स्वर्ग में जाने के लिए बोला गया है तो वो स्वर्ग में जाएगी। मन के विकार क्या क्या कर सकते हैं, हमेशा बुराई करना, दूसरे को कम आंकना, उस सामने वाले के हितों का होता है, उसके लिए बुरा नहीं होता है। साधु ने यह जता दिया कि मैंने उसका पाप के गठरी ढोया, पाप का भागी मैं बना और वारांगना का पाप पूरा नष्ट हो गया, ये मन के विकार का परिणाम है। क्या क्या कर सकता है ये साधु और वारांगना, ये जो कथा है इसमें मन के विकार क्या क्या हमें अधोगति की तरफ ले जा सकते हैं। जिस साधु को स्वर्ग में जाना चाहिए वो नरक चला गया, और जिसको नरक में जाना चाहिए था वो स्वर्ग में चला। इसलिए मन को विकार मुक्त करना ही जीवन का परम लक्ष्य मानना चाहिए। जब तक शरीर में आत्मा का निवास है तब तक शरीर को कीमत है, अन्यथा कौन उसे महत्व देता है। इसके लिए मैंने ऐसा एक लिखा है, चक्की पीसत दाना आटा होई, कम से कम दाना को अगर पीसते हैं तो उसका आटा होता है, और आटा गूंथ के रोटी हुई, और उस आटे को गूंथ के रोटी बनाई जा सकती है, खाई जा सकती है। चक्की पीसत दाना आटा हुई, आटा गूंथ के रोटी हुई,
लेकिन ये जो नियति है, नियति ऐसी चक की जो इंसान को पीसत, सब बदबू की। मरने के बाद इंसान का कुछ नहीं होता है, दाने का कम से कम आटा होता है, आटा गूंद कर रोटी होती है, लेकिन इंसान का कुछ नहीं था सिवाय बदबू के। तो इससे एक पता होता है कि हम लोगों को मन को विकार से मुक्त करना चाहिए, और हमारा जो कर्म है हमेशा के लिए पवित्र होना चाहिए। अपवित्रता और अकर्मण्यता हमेशा के लिए हमें अधोगति की तरफ ढकेलती है। कर्म से जीवात्मा अपना भाग्य बनाता है और भाग्य से वो सफलता पाता है। किसी के भाग्य को ललकारना वो चेष्टा होती है, किसी के भाग्य को ललकारना वो चेष्टा होती है जो अंधेरे में किसी किले की तटबंदी को लांगने हेतु चक्कर लगाते रहना और किले के अंदर प्रविष्ट न हो पाना। अतएव समय को अपना भाग्य बनाने के लिए व्यतीत करना चाहिए। जो कीमती समय है हमारा भाग्य बनाने के लिए उसको व्यतीत करना चाहिए, दूसरे का भाग्य बिगाड़ने के लिए या दूसरे के भाग्य को ललकारने हेतु उसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ना कि औरों के भाग्य को ललकारने हेतु हमारा समय को बर्बाद करना चाहिए। अन्यथा सुबह की रोशनी और वो किले के पहरेदार, आखिरकार किले की निगाह, किले के जो पहरेदार है उनकी निगाह तो पड़ेगी ही। तो होगा ये सुबह की रोशनी और पहरेदारों की निगाह और कुछ नहीं, हाथ में कुछ नहीं लगने वाला है, दोनों बंदी बना लेंगे। किले की तटबंदी तो भेद नहीं सकते हो, लेकिन उलझन में आखिरकार बंदी बन जाओ। इसलिए दूसरे के भाग्य को ललकारना वो मूर्खता है, उससे ज्यादा कोई मूर्खता जीवन में हो नहीं सकती है। तो ये विकार है, मन के विकार क्या क्या कर सकते हैं। इसलिए योग का हमारे जीवन में इतना महत्व है कि पहले मन के अंदर के विचारों को, जो कुविचार है उनको नष्ट करो, हमारा मन को विकारों से मुक्त करो, षड विकारों से मुक्त करो। मन पवित्र हो जाएगा, शरीर अपने आप अच्छा हो जाएगा। योग से जीवात्मा को सक्षम बनाया जाता है। आखिर जीवात्मा क्या है? हमारा जीवात्मा चार कोशों से बनता है, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। ये चार कोशों को मिलाकर जीवात्मा बनता है। और एक होता है अन्नमय कोश, जिसे हम शरीर कहते हैं। हमारे शरीर के साथ जीवात्मा का जब मिलन होता है तब जीवन कहा जाता है। शरीर से जीवात्मा का विलग होना ही मृत्यु है, और शरीर के साथ मतलब अन्नमय कोश के साथ प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश का जुड़ जाना ही जीवन है, और इनका विलग हो जाना अन्नमय कोश से मृत्यु है। प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश आदि का समूह और कुछ नहीं बल्कि जीवात्मा ही होता है। भौतिक शरीर और कुछ नहीं बल्कि अन्नमय कोश मात्र होता है। अन्नमय कोश का प्राणमयादि कोशों के साथ संयोग जीवन कहलाता है और वियोग मृत्यु। प्राणमय कोश जीवात्मा को गति प्रदान करता है और मनोमय कोश स्मृतियां, विज्ञानमय कोश बुद्धि को बढ़ाता है एवं आनंदमय कोश परमार्थों को प्राप्त करने में सहयोग देता है। प्राणमय से प्राण कोश से वृद्धि, प्राणायाम से प्राणमय कोश की वृद्धि होती है।
धारणा ध्यान से मनोमय एवं विज्ञानमय कोश में वृद्धि होती है और समाधि से आनंदमय कोश में वृद्धि होती है। कुल मिलाकर जीवात्मा को बल में वृद्धि होती है और उचित आहार विहार से अन्नमय कोश में वृद्धि होती है। पंचकोश है, इन सबको मिला के हमारा जीवन बनता है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, सबको मिला के हमारा जीवन बनता है। अन्नमय कोश यानी पार्थिव शरीर होता है। अन्नमय कोश में से जीवात्मा का विलग हो जाना ही मृत्यु है और जीवात्मा का अन्नमय कोश के साथ मिलन होना जीवन। अभी जीवात्मा है, जीवात्मा का अस्तित्व कुछ धर्म को मतलब पसंद नहीं है, कोई धर्म उसे मानते हैं, कोई धर्म नहीं मानते हैं। हमारे मानने न मानने से कोई अस्तित्व होगा या न होगा ऐसा नहीं होता है। यूं तो हवाई जहाज को लॉर्ड केल्विन, बड़े साइंटिस्ट, बड़े विद्वान थे, वैज्ञानिक थे, लॉर्ड केल्विन असंभव बता चुके थे हवाई जहाज। उनका कहना था हवा से भारी, हवा में उड़ने वाले यंत्र असंभव है, ऐसा लॉर्ड केल्विन बता चुके थे। हवा से भारी ऐसा कोई यंत्र जो उड़ सके संभव ही नहीं है, ऐसा लॉर्ड केल्विन ने बताया था। परंतु आज हवा से भारी हवाई जहाज उड़ रहे हैं। वैसे आत्मा के अस्तित्व को नकारने वालों को एक दिन मानना ही होगा कि आत्मा का अस्तित्व होता है और उसका जवाब क्वांटम भौतिकी विज्ञान देगा, क्योंकि आत्मा एक ऊर्जा का पुंज है। आत्मा ऊर्जा का पुंज होता है और उसमें सम्मिलित स्मृतियां हजारों वर्ष तक तो बनी रहती है, नष्ट नहीं होती। ऐसी कौन सी ऊर्जा है, ऐसा कौन सा ऊर्जा का पुंज है जो एक जगह से दूसरी जगह जाता है? ये बताया गया है शास्त्रों में। प्राणमय कोश इंजन का काम करता है और अपना जो जीवात्मा है उसको जिधर संभव है उधर अपने भले बुरे कर्मों के अनुसार प्राणमय कोश ले जाता है। प्राणायाम से प्राणमय कोश की वृद्धि होती है, इसलिए प्राणायाम करना है, योग का विषय है। ध्यान धारणा से मन और आनंदमय कोश की वृद्धि होती है, इसलिए ध्यान धारणा में अपना मन लगाना है। मन को स्थिर करना, चित्त को स्थिर करना मतलब योग है। योग का अर्थ, असली अर्थ ये है मन को विकारहीन बनाना। जब तक हमारे मन में विकार है उसका असर शरीर में होगा, उसका असर चारों कोशों पर होगा, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, इस पर असर होगा, फिर आखिरी असर जो है अन्नमय कोश पर होगा। अन्नमय कोश पर होने वाला असर को ही हम बीमारी कहते हैं। जीवन में बीमारी की जड़ हमारे मन के अंदर है। मन शुद्ध शरीर शुद्ध ऐसा कहा जाता है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर को सुधार लिया तो उससे हमारी धर्म की साधना हो जाएगी, और शरीर को सुधारने के लिए मन को विकार मुक्त किया जाना चाहिए। एक के ऊपर दूसरा निर्भर है, निर्भरता है। जब वासनाओं से लिप्त समाज उससे मुक्त हो जाएगा तो समाज में दुराचार, अत्याचार, बलात्कार जैसी घटनाएं घटित नहीं होगी। संतोष है तो जो मिल रहा है उसमें काम चलाने का भाव समाज में आ जाएगा, तो समाज में दहेज की कुप्रथा अपने आप मिट जाएगी। संतुष्टि नहीं इसलिए दहेज मांग रहे। भेद मिट गया तो समाज हाथ में हाथ लिए मार्ग क्रमण करेगा,
ऐसे योग से समाज प्रबोधन हो जाएगा, इससे हमारा राष्ट्र निर्माण होगा और राष्ट्र निर्माण का पवित्र कार्य सिद्ध हो जाएगा। समाज में कोई व्यथा नहीं रहेगी, कोई दुखी नहीं रहेगा। ये योग का काम, योग से क्या क्या संभव है। योग का असली मकसद मन को निर्विकार करना है, निर्विकार करके विकार की तरफ से निर्विकार निर्विकारी बना के समाधि की तरफ ले जाना है। समाधि निस्सीम आनंद, वह कोई दुख की गुंजाइश नहीं। अध्यात्म से जीवन में समर्पण का भाव बढ़ेगा। अभी ये जो अभी तक बताया वो योग के बारे में, योग हमारे जीवन में क्या क्या परिवर्तन ला सकता है, योग से क्या क्या संभव है, और योग से जुड़े रहने से हमारे अंदर कैसे विकृति खत्म हो जाएगी, चेतना जाग जाएगी, वाक सिद्धि हो जाएगी। जो कुछ हम लिख सकते हैं, जो कुछ हम पढ़ सकते हैं, उसमें और वृद्धि हो जाएगी। कुल मिला के हम समाज का अंग है, जिस समाज में हम रह रहे हैं, तो नीचे ही समाज के लिए हम कुछ कर सकते हैं। तो अभी जो है योग के बारे में मैंने जो बताया है, अभी 5 मिनट में मैं अध्यात्म के बारे में बताता हूँ, क्योंकि योग ये अध्यात्म का ही हिस्सा है, इसलिए अध्यात्म अपने आप वो विषय हो जाता है। जीवन में जो दुख आता है उसको खत्म करने की क्षमता अध्यात्म में होती है। प्रकृति के नियमों का उल्लंघन ही हमारे दुख का कारण होता है। हमारा जीवन 4 आश्रम में बटा हुआ है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। 25 वर्ष तक हमारा जो जीवन है वो ब्रह्मचर्य आश्रम में है, ज्ञान की साधना करने में। ज्ञान की साधना करके ज्ञान हमने पाया है, उसका इस्तेमाल गृहस्थ आश्रम में करना है, संसार करना है, शादी ब्याह सब। 50 वर्ष के बाद 75 वर्ष तक वानप्रस्थ आश्रम करना है, क्योंकि जीवन में दुख है, जीवन में लगाव है, बीवी बच्चे सब कुछ स्वार्थ है, परमार्थ की तरफ जाना है। कुछ दिन जंगल में रहना है, क्योंकि इससे निवृत्ति पाना है, इतना आसान नहीं है, इसलिए वानप्रस्थ आश्रम का प्रयोजन है। आखिरकार अभी जीवात्मा सक्षम हो चुका है, जो लगाव था, जो आस्था थी, संसार के प्रति जो लगन थी, धीरे धीरे खत्म हो चुके, और 75 वर्ष के बाद आदमी को संन्यास आश्रम में जाना है। जीवन अपने आप निरामय हो जाएगा, ये अध्यात्म। जीवन को 4 आश्रम में जो बांटा गया है, उसका प्रयोजन इंसान परमार्थ की तरफ क्यों बढ़े, कैसे बढ़े, इसके लिए है। ये संसार व्यर्थ है, जगन मिथ्या ब्रह्म सत्य, ये जग नश्वर है, एक दिन इसको त्यागना है। इसलिए हमें ब्रह्म को ही सत्य मानना है, जो नश्वर है उसका त्याग करना है। शरीर तो नश्वर है, जीवात्मा अमर है। अध्यात्म कभी निराशा का पाठ नहीं पढ़ाता, समस्या है तो उसका समाधान भी है, ये अध्यात्म ज्ञान देता है। आयुर्वेद से स्वस्थ शरीर कैसे रखा जाए वो बताया है। विश्वकर्मा प्रकाश में भवन निर्माण की विद्या बताई है। वराहमिहिर ने ग्रह तारों का अध्ययन किया है। ये सब मानव समाज के लिए है। यदि 100% निष्क्रियता होती तो ये सब प्रयोजन न होता। भक्ति मार्ग से ईश्वर की प्राप्ति हर धर्म ग्रंथ का सारांश है। अध्यात्म वो पथ है जो जीवात्मा को मोक्ष के पथ से पथभ्रष्ट होकर मनुष्य योनि को प्राप्त हुए थे उनको मोक्ष तक ले जाने का मार्ग प्रशस्त करता है। अध्यात्म पूरे जीवनांत तक का विषय है, ये व्याख्यान की कक्षा तक ये विषय सीमित नहीं है। इसलिए मैं यह मेरे व्याख्यान को विराम दे रहा हूँ। धन्यवाद। डॉक्टर मनीष मिश्रा सर जी ने मुझे ये जो अवसर प्राप्त करके दिया आज का व्याख्यान अध्यात्म और योग का समाज के प्रबोधन में क्या क्या भूमिका निभा सकता है, तो मेरा जो विषय रहा समाज प्रबोधन में योग और अध्यात्म की भूमिका, या मैं संपन्न समाप्त करता हूँ। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। निश्चित तौर पे ये व्याख्यान हमारे जो शोधार्थी हैं, अध्ययन अध्यापन से जुड़े जो हमारे साथी हैं,
उनके लिए एक उपयोगी व्याख्यान होगा। एक बार पुनः महाराष्ट्र हिंदी साहित्य अकादमी की तरफ से मैं आपके प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि आपने हमारा अनुरोध स्वीकार किया और आज धन्यवाद। अब आपकी अनुमति से मैं आज के इस व्याख्यान की समाप्ति की घोषणा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, थैंक यू।